गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग कल पढ़े थे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में और प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हल किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, आकृति में दिया गया है कि ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ये आकृति है, इसमें ए बी सी 60 डिग्री है, ए सी बी 31 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री है, तो बी डी सी ज्ञात करना, बी डी सी मैंने इस कोण को ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 60 डिग्री होते 180 डिग्री होता है, तो ये 31 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो इसका मान पहले निकालेंगे, उसके बाद एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो बी ए सी बराबर बी डी सी, तो बी डी सी का मान निकल जाएगा। इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान निकालना है, बी का मान दिया है 60 डिग्री, सी का मान दिया है 31 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। या 60 31 को जोड़ेंगे तो हो गया 91 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर हो गया 180 माइनस 91। 180 में से 91 घटेगा तो हो जाएगा 89 89 डिग्री। अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी बराबर 89 डिग्री, यही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त का व्यास है। ये चक्रीय चतुर्भुज है एबीसी की और ये वृत्त है, तो कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज ये है, इसका विकर्ण हुआ एसी और बीडी, व्यास है वृत्त का व्यास है, तो यह एक आयत सिद्ध करना है कि ए बी सी डी का है। आयत सिद्ध करने के लिए हमको सिद्ध करना होगा कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है ये भी सी डी का है। अब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और एसी व्यास है, एसी व्यास है, इसलिए अर्धवृत्त का कोण, ये एसी व्यास है तो अर्धवृत्त का कोण डी है और इधर बी है, बी और डी बराबर हो गए, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार यदि बी डी व्यास है तो बी डी व्यास है, तो ये अर्धवृत्त हुआ, तो ये कोण 90 डिग्री, और इधर से अर्धवृत्त लेते हैं तो ये कोण 90 डिग्री, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री, अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, और व्यास बराबर होता है ए बी
ऐसे इज इक्वल टू बी डी है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। इस तरह से हम दो क्वेश्चन देखे, अगले दिन और क्वेश्चन देखा जाएगा, एक दो क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद तुम लोग रिवीजन करेंगे। थैंक यू।